दिख रहा है। कहाँ से आया? यहाँ से। ये क्या है? नमकीन। ये क्या है? उपमा। खाना अच्छा मिलता है? हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ मेरा मॉर्निंग का रूटीन स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पूजा के जितने भी बर्तन थे नीचे से धुल के ले आई हूँ, मंदिर भी हो आई हूँ, तो बस यहाँ पर कर रही हूँ सूर्य भगवान की पूजा। और काफ़ी लोग मुझसे नए नए जुड़े हैं तो पूछते रहते हैं कि, और उनके यही कमेंट रहते हैं कि आपकी पूजा की वजह से हम ये ब्लॉग देखते हैं। 90% ऐसे हैं मेरी वीडियो को देखते हैं जिनको मेरी पूजा पाठ बहुत अच्छी लगती है। तो बहुत अच्छी बात है, आप भी जिस धर्म से हैं अपने धर्म से जुड़िए। और मुझे बड़ा प्राउड फील होता है अपने हिंदू होने पर, और मैं अपने हिंदू धर्म को बहुत मानती हूँ। तो बस यहाँ पे तुलसी मैया की मैंने पूजा कर ली है। बस यहाँ पे भोले बाबा को अष्टगंध वगैरह, चावल, काले तिल सारी चीज़ें चढ़ाऊँगी, और फूल वगैरह मम्मी जी भी ले आती हैं। और मंदिर में पंडित जी थोड़ा सा लेट हो जाते हैं, मैं कभी जल्दी चली जाती हूँ, लेट हो अगर मैं हो जाती हूँ तो मुझे फूल मिल जाते हैं। तो बस यहाँ पर ये पूजा वगैरह हो गई है मेरी। कृपा साबरे बनाए रखना, इतनी कृपा साबरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। ये क्या हो रहा है? अनिक, अनिक सीधे बैठ जाओ, सीधे बैठ जाओ। देखो आज पापा को बनाया घोड़ा, आज घोड़ों की सवारी हो रही। देखो नायसा कैसे बैठी है। अरे यार घुटने छिल जाएंगे तुम्हारे। गिरा दो इन सबको, गिरा दो। नहीं नहीं उतर जाओ, घोड़ा रिवर्स चल रहा है। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत 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 अच्छे होंगे। मॉर्निंग के अपने सारे काम से मैं फ्री हो गई हूँ, अब जा रही हूँ मैं नाश्ता बनाने के लिए। तो मैंने कहा चलो आप लोगों से मैं थोड़ी सी बात कर लेती हूँ। सुबह से मैंने इस तरीके से बात नहीं करी कुछ भी, और आप लोगों को एक इम्पॉर्टेंट बात बतानी है। कल मैं आऊँगी लाइव, क्योंकि लाइव में ना मुझे भी बहुत मज़ा आता है आप लोगों से बात करने में, और आप लोगों को भी बहुत ज़्यादा मज़ा आता है कि डायरेक्ट हम लोग एक दूसरे के मैसेज पढ़ते हैं, बात करते हैं। वैसे तो मैं कमेंट के थ्रू रिप्लाई दे देती हूँ, कभी नहीं भी दे देती हूँ, ऊपर नीचे हो जाता है, पर लाइव में ना अलग ही एक वो है, मतलब अच्छा लगता है। तो आप लोग भी आइएगा, कल 5 बजे मैं आऊँगी लाइव। और कल कोई वीडियो नहीं जाएगा, कल ब्लॉग नहीं आएगा, सीधे लाइव में हम 1 घंटा जोड़ूंगी मैं आप लोगों से 5 बजे से 6 बजे तक। तो चलो अभी मैं जा रही हूँ नीचे नाश्ता बनाने के लिए, और मैंने सोचा मैं 1-2 कमेंट का आपके रिप्लाई दे दूँ। और यहाँ पे क्योंकि आप लोगों के कमेंट ना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, कुछ कमेंट ऐसे आते हैं जिनको पढ़ पढ़ के ना मतलब खुद भी पढ़ती हूँ, अपने फैमिली को भी स्क्रीनशॉट भेजती हूँ मैं अपनी मम्मी को पापा को कि देखो ऐसे ऐसे कमेंट आते हैं, इतने अच्छे होते हैं जो सही में बहुत टच कर जाते हैं दिल को। भागवत सिंह यादव हैं, नमस्ते दी, सासू माँ ठीक हो जाएंगी, टेंशन मत लो आप दीदी, आपकी वीडियो हमारी पूरी फैमिली देखती है। तो थैंक यू सो मच, आपकी पूरी फैमिली मेरी वीडियो देखती है, सही में आप लोगों को इतनी पसंद आती हूँ मैं। और एक बार हमारा नाम लेना, रक्षा, अच्छा रक्षा नाम है आपका। मम्मी जी राधे राधे बोल रही, तो राधे राधे मम्मी जी, चरण स्पर्श, बस आशीर्वाद दीजिए, अपना आशीर्वाद बनाए रखिए, क्योंकि जिसके ऊपर आशीर्वाद होता है ना तो वो जीवन में बहुत तरक्की करता है। और मुझे पता है आप लोगों का आशीर्वाद प्यार मुझसे अगर बना रहा ना तो मैं यहाँ से बहुत आगे जाने वाली हूँ। और कौन है, उषा देवी, हाय भाभी जी, कसम से आप बहुत अच्छी हो, मेरा नाम भी लीजिए उषा, मैं अरुणाचल प्रदेश से। अरे बापरे, मतलब मुझे लोग कोने कोने से देख रहे हैं, अरुणाचल प्रदेश बहुत अच्छी जगह है, बहुत सुंदर जगह है। तो थैंक यू सो मच, आप मुझे देख रही हैं। बस एक चीज़ बोलना चाहूँगी आप सभी से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, स्टेटस पे लिंक शेयर करिए, हर किसी को बोलिए मुझे देखने के लिए। और कौन है, मनोज शर्मा, हाय दी, आप मेरा कमेंट को इग्नोर कर रही हैं, मैं कब से बोल रही हूँ मेरा नाम
लो तन्वी शर्मा पर आप नहीं ले। तन्वी जी, ऐसा नहीं है कि मैं आपके किसी के भी कमेंट को इग्नोर नहीं करती हूँ। कई बार क्या होता है कि ऊपर नीचे हो जाते हैं, हाइड हो जाते हैं कमेंट, तो इस वजह से नहीं ले पाती हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर बुरा लगा हो तो दिल से मैं आप लोगों से माफ़ी मांगती हूँ। तो और आगे है सलोनी तिवारी, जय श्री मैम नारायण दी, नाइस ब्लॉग दी, आज आप बहुत हैप्पी लग रही हैं, आप दोनों हमेशा ऐसे ही खुश रहो। अपने हस्बैंड को भी आपकी वीडियो दिखाती हूँ, उनको भी अच्छे लगते हैं आपके ब्लॉग। मेरा नाम लीजिए, मुझे बहुत खुशी होगी। तो सलोनी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप अपने हस्बैंड को भी दिखाती हैं, हस्बैंड को अच्छे लगते हैं मेरे ब्लॉग, थैंक यू सो मच। और एक चीज़ बोलना चाहूँगी, जितनी भी हाउस वाइफ हैं, कुछ ना कुछ करते रहिए लाइफ में। ये जो जैसे हम काम करके 12 एक बजे के टाइम फ्री हो जाते हैं ना, जैसे कुछ लोगों घर में क्या होता है, मैंने देखा नाश्ता नहीं बनता, डायरेक्ट खाना बन जाता है। देखो ये जो मेरे काम है ना सारे, वो ही आप लोगों के काम है, कुछ मैं अलग से नहीं करती। पर मेरा काम यूट्यूब का है, तो जो दोपहर का जो मेरा टाइम रहता है मेरा सारा एडिटिंग में जाता है, फिर 5 बजे ब्लॉग, वही मैं डेली शूट करती हूँ, 5 बजे जाता है। तो आप लोग भी ज़रूरी नहीं मेरी तरह वीडियो बनाएं, आप सिलाई करिए, कुछ ना कुछ करते रहिए, इंस्टाग्राम पे आइए, फेसबुक पे आइए। ज़रूरी नहीं, अगर आपकी फैमिली में देखो हर कोई अलाउ नहीं करता है कि यूट्यूब पे आ जाएं, फेसबुक पे आ जाएं, तो आप कुछ ना कुछ करिए, बहुत सारे काम हैं, अपने आप को बिज़ी करिए। तो चलो बहुत सारी बातें हो गई और चलती हूँ। और कुछ लोगों भावना जोशी नाम लेते हैं, भावना जोशी, देखो पता है मुझसे ज्यादा कमेंट की चिंता इनको रहती है कि सबके नाम लिया करो। भावना जोशी जी, भावना जोशी, हाँ। नाम लिया। तो भावना जोशी जी, देखो मुझे याद नहीं है, आपके जीजू को याद है, तो थैंक यू भावना जी। और एक चीज़ और बोलना चाहूँ, मुझसे किसी ने पूछा था ये टीका, आप जब दोबारा टीका लगाने में नहा सकती हूँ? हाँ, जब शाम मतलब घर का काम, ऐसा ही मेरा कोई दिन जाता है जो मैं शाम को नहीं नहाती हूँ, डेली ही। अब तो गर्मी आ गई, डेली ही मैं शाम को नहाती हूँ, तो टीका तो मिटल जाता है, फिर टीका दोबारा नहीं लगता, बस वो मॉर्निंग का ही है। और टीका हमारे हिंदू धर्म का प्रतीक है, इसलिए अपने बच्चों को भी ये संस्कार दें कि टीका जरूर लगाएं नहाने के बाद में। जैसे मैं तो अपने बच्चों को नहाने के बाद ज़रूर लगाती हूँ, खुद के लगाती हूँ, हस्बैंड के बहुत थोड़ा सा लगाती हूँ, क्योंकि उनको ड्यूटी जाना रहता है तो वो टीका चंदन करके नहीं जा सकते। तो चलो बहुत बातें हो गई, अब चलते हैं नीचे। तो फ्रेंड्स, पापा जी जा रहे थे एक जगह खाने के लिए, हम लोगों को भी जाना है। तो यहाँ देख सकते हैं कुर्ता वगैरह पहन के बिल्कुल रेडी हो गए हैं। पापा जी अपने ज़माने के बहुत बड़े हीरो रहे हैं, तो यहाँ उनको नहीं पता है कि हम उनका वीडियो बना रहे हैं। एक बार तो ऊपर इधर सोफा सेट पे, हाँ ये बहुत खूबसूरत। ठाकुर बलदेव सिंह, ओए नायसा, ठाकुर बलदेव सिंह। पापा जी के लिए हम लोगों ने खड़ा किया था फ़ोटो खींचने के लिए, उनको नहीं पता था कि हम वीडियो बना रहे हैं उनकी। तो यहाँ हमारा नाश्ता भी बिल्कुल रेडी तैयार है, और आज बनाया मैंने उपमा चाय। हाँ भाई, कहाँ से आया भाई तू? आप दिख रहे हैं, कहाँ से आया? ये क्या है? नमकीन। ये क्या है? उपमा। खाना अच्छा मिलता है? बढ़िया, और मिलता है? देखो भाई, चाय मिल रही है, मॉर्निंग चाय, चाय अच्छी है? मैंने बनाई तो अच्छी होगी ना। अच्छा, देखो भाई यहाँ पे खाना अच्छा मिलता है, चाय अच्छी मिलती है, उपमा मिलता रहे रास्ते में। और ऐसा इंदौर फिजिकल एकेडमी और कचमार में 2 ट्रेनिंग सेंटर जो आर्मी की ट्रेनिंग देते हैं, तो तुम क्या देखते रहते हो? हाँ, वो ऐसे बताते हो। खाना अच्छा मिलता है भाई? भरपेट मिलता है खाना? बिल्कुल, मजा आता है। चलो देखो भाई, चाय मिलती है यहाँ पे डेली भाई अच्छी। मुझे लगा एकदम से जेल वाली कहाँ से फीलिंग आ गई, आपको काफी लोग बोल रहे थे। हाँ, तबीयत कैसी आपकी अभी? आराम है। अब बताओ मैंने क्या करा जिससे ठीक हो गई? वो दिखा इधर, नाभि धारण होता है जो यहाँ पे MP में बोलते हैं गोला खिसक जाना, तो वो मैंने करा था मम्मी जी के, तो ठीक है अभी, वो ही थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया था, तो अगर वो हिल जाता है ना तो पूरा सिस्टम बिगड़ जाता है पेट का, तो बस अब तो ठीक है मम्मी जी। ठीक है मम्मी जी, बढ़िया, भी फिट, बढ़िया। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे काम अपने सारे ख़त्म करने के बाद में, आज कोई मुझे इतना काम नहीं है आज, बाकी में बहुत रिलैक्स वाला दिन है आज मेरा। बस पूजा वगैरह की, झाड़ू पोछा मॉर्निंग में ही कर लिया था, नीचे भी सब कुछ क्लीन है। आज हमको जाना है एक जगह खाने के लिए, तो खाना बनाना नहीं है। जिस दिन खाना नहीं बनाना होता है वाकई में, वो दिन बड़ा रिलैक्स वाला रहता है, वरना बड़ी टेंशन रहती है खाने खाने की, पहले मॉर्निंग में नाश्ता, फिर दोपहर का लंच। तो आज एक जगह जा रहे हैं दोपहर में खाने के लिए, तो बस मैंने कहा चलो अपने कपड़े ही फटाफट धुल के ऊपर डाल आती हूँ, जब तक आऊँगी तब तक ये सूख जाएंगे। अभी मैं आई हूँ खाना खाकर, धूप बाहर बहुत ज़्यादा तेज थी, नायशा कपड़े चेंज हो गए हैं, अनिक बचा है, और देखो कल मैं क्या लेकर आई थी,
ये बैग लेकर आई हूँ, पर्स लीजी ब्रांड का है, बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर लगा, वाइट कलर में है पूरा। मुझे लाइट कलर ही ज़्यादा पसंद आते हैं, और मैंने सोचा चलो मैं अपने ब्लॉग का यहीं पर एंड कर देती हूँ। और जो येलो वाला पर्स खरीदा था मैंने अभी सिस्टर की शादी में, चाचा की लड़की की, तो वो गीता ने ले लिया था, मुझे दे दे। मैंने कहा चल ठीक है उसे दे देती हूँ, बहनें तो होती ही हैं, छोटी बहनें। तो चलो कल के वीडियो में मिलते हैं, कल का ब्लॉग नहीं आएगा। हाँ, आप सब लोगों को, जितने लोग भी मुझे देख रहे हैं, वो सब लोगों को आना है 5 बजे मेरी लाइव में, ठीक है ना? जितने लोग भी मुझे देख रहे हैं कल 5 बजे मैं करेक्ट आ जाऊंगी, तो इसलिए आप लोग भी 5 बजे आ जाना ध्यान से, वरना फिर आप लोग कहते हो कि आते हम नहीं आ पाए। इसलिए मैं पहले से ही आप लोगों को बता देती हूँ, और कम्युनिटी कल मॉर्निंग में ही पोस्ट कर दूंगी, कल मैं 5 बजे लाइव आऊंगी। बाय बाय, ध्यान रखें।